हेलो एवरीवन, आज अपन कवर करने वाले हैं क्राउडिंग इन इफेक्ट। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने क्राउडिंग आउट इफेक्ट समझा था। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हो तो आप आई गार्ड पर जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहां पे मिल जाएगी। तो मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा, मैं UGC नेट क्वालिफाइड हूँ और आपको इस चैनल पर क्लास 11th इकोनॉमिक्स से लेकर के मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स तक की सारी वीडियोज़ आपको मिल जाती है। वीडियोज़ इकोनॉमिक्स के रिलेटेड टॉपिक्स की आपको यहाँ पर मिल जाएगी और वीडियोज़ हमेशा मंडे को, वेंसडे को और फ्राइडे को अपलोड हो जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन क्राउडिंग इन इफेक्ट से। क्राउडिंग इन इफेक्ट क्या होता है, इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने पढ़ा था क्राउडिंग आउट इफेक्ट समझा था। क्राउडिंग आउट इफेक्ट में अपन ने क्या देखा था, जो एक शॉर्ट में समझते हैं अपन, अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज होगा तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने से लोन की डिमांड बढ़ेगी, लोन की डिमांड बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बढ़ने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ हो जाएगा। तो मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने से प्राइवेट एक्सपेंडिचर जब डिक्रीज़ होता है, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब डिक्रीज़ होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। आज अपन को समझना है क्राउडिंग इन इफेक्ट क्या होता है। क्राउडिंग इन इफेक्ट में अपन सिर्फ इस रिलेशन को समझेंगे, यानी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने की वजह से जब लोन अमाउंट इंक्रीज होता है, लोन लेना इंक्रीज हो जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, क्राउडिंग इन इफेक्ट बोलते हैं। यानी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ाने से जब नॉर्मल पीपल लोन ज़्यादा लेते हैं, लोन ज़्यादा लेकर के जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, उसको ही अपन क्राउडिंग इन इफेक्ट बोलते हैं। तो देखो, क्राउडिंग इन अकर्स व्हेन द हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग लीड्स टू एन इंक्रीज इन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। मतलब जैसे गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया और उससे क्या हुआ, प्राइवेट एक्सपेंडिचर भी बढ़ा, तो वो होता है अपना क्राउडिंग इन इफेक्ट। ठीक है, तो द क्राउडिंग इन इफेक्ट अकर्स बिकॉज द हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैन लीड टू एन इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी, और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो क्या होगा, ये इंकरेज करेगी फर्म्स को इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ रही है तो लोगों को क्या मिल रहा है, प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। अब जैसे देखो, अगर गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया तो उससे क्या हुई, लोगों को इनकम हुई तो क्या करेंगे, वो डिमांड करेंगे तो गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी तो लोग ज़्यादा गुड्स बनाएंगे। किस मोटिव से, प्रॉफिट मोटिव से। तो इस हिसाब से जो भी इन्वेस्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे ताकि वो गुड्स बना पाए और क्या कर पाए, प्रॉफिट अर्न कर पाए। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने की वजह से प्राइवेट एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाता है, यानी प्राइवेट एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है। ठीक है, देयर आर नाउ मोर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर करने की वजह से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है। तो अब देखो, अगर अपन ने कल एक डायग्राम बनाया था, एक ग्राफ बनाया था, इसके अंदर अपन ने देखा था ये है सप्लाई ऑफ लोन्स और ये है डिमांड फॉर लोन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे एज ए अपन मान लो लोन क्वांटिटी, यहाँ पे अपन मानो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अपन ये मान रहे थे, अपन ने ये देखा था कल, अपन ने ये बढ़ाया था, जैसे ही डिमांड बढ़ी, डिमांड फॉर लोन्स बढ़ी, तब क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर यहाँ पे पहले क्या था, 7% था, तो यहाँ पे कितना हो गया, 8% हो गया। अब इसकी वजह से लोन की डिमांड बढ़ी, वो पूर्ति नहीं हुई तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, अपन ने ये देखा था। अब इसके अंदर एक और कंडीशन आती है, इसके अंदर एक और कंडीशन कौन सी होती है, उस कंडीशन को अपन देखते हैं ऐसे, इसके अंदर एक सिचुएशन आती है जिसको अपन बोलते हैं रिकवरी वाली सिचुएशन। रिकवरी वाली सिचुएशन में क्या होता है, ऐसे होती है एक ट्रेड साइकिल, जो अपन जानते हैं, ट्रेड साइकिल आपने पढ़ी होगी। अब जब ट्रेड साइकिल ऐसे बनती है तो ये क्या होती है, एक्सपांशनरी सिचुएशन, ये होता है पीक, ये होता है रिसेशन, ये होता है डिप्रेशन, ये होता है बॉटम, और ये होता है रिकवरी। अब जब रिकवरी टाइम होता है तब क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्स्ट्रा किया जाता है। अब गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर एक्स्ट्रा करती है तब उसके हिसाब से क्या होगा, क्योंकि मार्केट क्या होता है, ग्रो नहीं हो रहा होता है उस टाइम, तो लोन भी आपको सस्ते में मिल जाएंगे, सारी चीज़ें आपको सस्ते में प्रोवाइड हो जाएगी और प्रॉफिट चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो उसकी वजह से जैसे ही पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो इस रिकवरी वाले फेज के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं उनको क्या मिलती है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो इस टाइम पे वो इन्वेस्ट कर देते हैं और उनको लोन भी नॉर्मल अमाउंट पे मिल जाता है। अब जब वो एक्सपांशनरी पोजीशन पे पहुंचते हैं या फिर पीक पोजीशन पे पहुंचते हैं तो इस टाइम तक इतना ज़्यादा यूज़ हो रखा होता है, इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा कंजम्पशन हो रखा होता है, तो इस टाइम पर लोन की क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट
हाई हो जाते हैं। तो इस टाइम क्या होता है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट यूज़ हो जाता है कि अगर इस जगह, अगर इस जगह एक्सपेंशनरी पोजीशन पे और पीक पोजीशन पे अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज होता है तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट लगता है, और अगर ये डिप्रेशन और रिकवरी वाली जगह पे अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर लगता है तो इससे क्या होता है, इससे अपन को मिलती है क्राउडिंग इन इफेक्ट। तो मतलब ये इस जगह जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है किस मोटिव से, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लगवाने के लिए, कि क्या हो कि पब्लिक एक्सपेंडिचर करे और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी हो, और फिर जैसे जैसे ऊपर जाती है तब अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है तब उसकी वजह से क्या होगा कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो होंगे वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट मोटिव दिख भी रहे होंगे तो इतने प्रॉफिट मिलेंगे नहीं। तो ये चीज़ें क्या होती है एक्सपांशनरी और पीक पोजीशन पे। तो ये जो फंडा है ये है क्राउडिंग इन एंड क्राउडिंग आउट का इफेक्ट। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ कि जहाँ पे ये देखो, जहाँ पे ये अपन ने देखा ट्रेड साइकिल पे ये अपन ने बना दी, ये है एक्सपांशनरी पोजीशन, ये पीक, ये रिसेशन, ये डिप्रेशन, ये रिकवरी। तो जब रिकवरी पोजीशन पे जब पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, तब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है और ये कौन सी कहलाती है, क्राउडिंग इन इफेक्ट लगता है। अब अगर यहाँ पे रिकवरी के बाद एक्सपांशन, इस जगह अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है इंक्रीज तो इसकी वजह से क्या लगता है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइवेट एक्सपेंडिचर जो होगा यहाँ पे जो होगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ थी क्राउडिंग इन इफेक्ट, और अपन ने क्राउडिंग आउट इफेक्ट के रिलेशन भी इसको समझ लिया है, कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है वो भी अपने देख लिया है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।